आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इंदौर में नगरपालिका निगम द्वारा बड़ा गणपति सुभाष मार्ग पर एक सुंदर रोटली बनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थानांतरित की गई। शनिवार 23 जनवरी को सुभाष जयंती पर अल सुबह से ही बड़ी संख्या में देशभक्तों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद दीपक जैन टीनू ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व की अमिट छाप हम सभी के ऊपर है और अभी इंदौर में सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा स्थल के पास कुछ विकास कार्य शेष है। अति शीघ्र यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे का उल्लेख भी शिलालेख के ऊपर होगा। एक्सटेंशन बाइट्स। मैं सभी को आज हम सबके प्रेरणा पुरुष सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज कलकत्ता में हैं और वहाँ पर पूरे विश्व भर में, देश ही नहीं पूरे विश्व में आज पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाने वाली है और प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाएगी, ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व की है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे पराक्रमी व्यक्तित्व को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में आने वाले समय में हम सब उनकी जयंती मनाने वाले हैं, तो आज हम सब के लिए बहुत आनंद और गौरव का पल है। एक यहाँ पर पीड़ा कुछ लोगों के सामने आई थी कि सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ प्रतिमा जरूर लगी है, परंतु उनकी प्रतिमा पर न तो उनका नाम का उल्लेख है, न उनके द्वारा किए गए कार्यों का, न उनके द्वारा दिए गए नारे का। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे नगर निगम परिषद की भाजपा की रही है? भाजपा की नगर निगम पार्षद में अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप पूरे चौराहे को देखिए किस प्रकार से सुसज्जित हो गया है, किस प्रकार से उनकी प्रतिमा को सम्मानपूर्वक और अधिक स्थान पर उनको स्थापित किया गया है। उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है आप देखिए कितना आलीशान और कितना सुंदर बनाया गया है कि आज बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे रुककर देखता है, यहाँ पर अपने चित्र उनकी प्रतिमा के साथ लेता है। और जैसा आपने बताया है कि उनके नाम का उल्लेख और उनके नारे का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए, तो अभी कुछ काम यहाँ पर शेष रह गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में वो नाम और जो नारे हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे।